गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ नोएडा अकेले। देहरादून टू नोएडा की एक राइड होने वाली है, छोटी सी सोलो राइड कर रहा हूँ आज मैं। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हैं, अभी 6:30 होने में 4 मिनट हैं। तो वैसे तो प्लान अभी तक का था कि मैं ठीक 6 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, पर हमेशा की तरह थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि पंक्चुअलिटी की कोशिश पूरी रहती है। आज मैं अकेला था तो सिर्फ आधा घंटा लेट हुआ, और लोग होते तो हो सकता था 1-2 घंटा लेट हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग, If you are new to this channel, please subscribe. Subscribe कर दो बेटा। इस वक्त बाहर का टेम्परेचर बहुत लो हो रखा है, कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे ही है। हालत जम रखी है और ये पहली बार है जो मैं बोल रहा हूँ मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि कल सुबह भी मैं राइड पे गया था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। सो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से निकलना सुबह, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये बन गया अब मैं निंजा, लेट्स गो। So guys, जैसा कि आप देख ही सकते हो अभी टेम्परेचर बाहर क्या हो रखा है, हालत क्या है बाहर की, पूरा हल्की फुल्की सी धुंध छा रखी है पर ठंड काफी है। और देख लो अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ, थोड़ी बहुत लाइट आ चुकी है, मतलब इतना हो गया है कि रोड साफ साफ दिखाई दे रही है बिना लाइट के भी। शोभित भैया जी ना आप जानते हैं, उन्हें आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा 1-2 बार। शोभित रावत भैया है, वो एक तरह से मेरे गुरुजी है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है ड्रोन के बारे में, बहुत चीज़ें सिखाई हैं। ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एडिटिंग के बारे में बहुत चीज़ें सिखा दी है। उनका एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो उसे एक इवेंट शूट करना था, सो ही नीडेड अ पर्सन हु कैन शूट विद अ ड्रोन। तो भैया तो जा नहीं पाए क्योंकि कॉलेज का इवेंट भी सेम डे को है, आज 15 दिसंबर है और कोई इवेंट है कॉलेज में, तो भैया को तो वो शूट करना ही पड़ेगा। सो उन्होंने मुझे बोला कि तू जाके कर दे वहाँ शूट, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। एंड ये मेरा एक तरह से पहला, एक तरह से मतलब एक प्रोफेशनल वर्क जैसा हो गया है ये, कि मैं भी जाके देखूँ दूसरी शहर एक्सपीरियंस करेंगे। तो आज मैं बेसिकली घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आज मैं काम से जा रहा हूँ। और ये मेरा एक पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे मिला है ऐसा शूट करने को, सो लेट्स सी कैसा जाएगा। And guys, ये है हमारा डार्ट काली टनल जहां मैं अब एंटर कर चुका हूँ। आवाज देखो क्या गूंज रही है, मजा आ रहा है और मजा आने। अच्छा भाई यहाँ सुपर बाइक मान भी कितना मजा आएगा, मुझे तो हिमालयन का थ्रोटल देख के भी मजा ही आ जाएगा। What the f**k is this guys? ये तो अभी भयंकर कितने खतरनाक कोहरा शुरू हो गया यहाँ से भाई। पर ये खेत देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो मस्त मतलब सिनेमैटिक चलेगा ना अगर यहाँ बनाना चाहे तो। सो गाइज, अभी मैंने लिया है छोटा सा ब्रेक ब्रेकफास्ट करने के लिए और थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने के लिए। हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं, ठिठुर रहा हूँ मैं, मैंने आज तक ऐसी ठंड कभी महसूस नहीं की। अभी मैं पहुँचा हूँ मंसूरपुरी और ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में है और भयंकर ठंड हो रही है इधर, ऐसी ठंड। अभी यहाँ करेंगे नाश्ता। सो ये रहा ब्रेकफास्ट आज का, चाय और पनीर के पराठे। कैमरे में भी पूरी फॉग लग गई है,
अब साफ दिखेगा। और ये देखो मेरे हेलमेट की हालत, वाइजर तो मैं हटा कर ही चल रहा हूँ क्योंकि पूरा पानी पानी जम रहा है और अंदर पूरा फॉग जम रहा है, इसलिए हटा कर ही चल रहा हूँ। गोप्रो भी भीगी गया है, बाकी कपड़े भी थोड़े भीग गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो भाई लोग क्या हो गया, जब मैं अपनी बाइक को 100 की स्पीड पे पेल रहा था मुजफ्फरनगर के हाईवे पे, उसी टाइम हवा के झोंके से मेरा फ़ोन उड़ के गिरा रोड पे और इतनी ज़ोर से फटका कि इसका पूरी स्क्रीन ख़त्म हो चुकी है। ये देख लो अंदर का इतना हिस्सा ब्लैक हो चुका है, ये डिस्प्ले ही ख़राब हो गई है पूरी। ये देखो नीचे नंबर्स आ रहे हैं पर इस एरिया में नहीं आ रहे, पूरा शायद डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। बट फॉर्चुनेटली जिस टाइम मैंने ये फ़ोन लिया था उस टाइम इस फ़ोन के साथ वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री था, तो ये तो फ्री में बन जाएगा। बट दिमाग इसलिए मेरा ख़राब हो रहा है क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से चटका है ऐसे कि अब मैं इससे ड्रोन नहीं उड़ा सकता। सबसे गलत बात यह है, अब ड्रोन के लिए दूसरे फ़ोन का इंतज़ाम करना पड़ेगा और नोएडा में मुझे इस वक्त कोई शॉप भी नहीं मालूम जहाँ पे मैं इसे ठीक करा सकूँ, पर मैं चाह नहीं रहा इसे ठीक कराना ऐसे शॉप से। वापस जाऊँगा और सर्विस सेंटर से ही कराऊँगा, ओरिजिनल स्क्रीन ही डलवाऊँगा। सो गाइस आई एम बैक होम नाउ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से ड्रोन शॉट्स के बाद, नोएडा का जो ड्रोन शॉट मैंने लिया था नाइट को, उसके बाद अचानक से घर पे कहाँ से आ गया मैं, उसके आगे की वीडियोस कहाँ हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये रहा मेरा वो बदकिस्मत फ़ोन जो कि बहुत बुरी तरह से टूटा है, बीच में ये डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही है, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो व्लॉग क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो कैमरा है जिससे भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये मैंने घर पे ही छोड़ दिया था, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। जब मैं मेन हाईवे में खाना खाने रुका एंड वापस आया बाइक पे, तो मैं एकदम से डर गया था कि मेरा टैंक बैग कहाँ है, चोरी हो गया क्या। और फिर मैंने एकदम घर पर कॉल किया तो मम्मी कहती है कि तूने तो बैग तो यहीं पड़ा हुआ है। एंड उस टाइम मैं और मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि वाह मैं कैमरा भी नहीं लाया हूँ, कमाल है, कैमरा, लैपटॉप, मेरे पूरे कपड़े जो कि मैं रात को चेंज करने के लिए लाया था वो सब उसमें थे, सब कुछ घर पे छोड़ा है मैं, कमाल है। पूरे लॉन्च इवेंट में ऐसे घूमता रहा मैं भंगियों की तरह इन कपड़ों में, पूरी धूल मिट्टी से सना हुआ था, बुरे हाल हो गए थे मेरे। और इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं किया फिर व्लॉग बनाने का। और फिर मैंने रास्ते भर तो मैं सोच रहा था फ़ोन से व्लॉग बना लूँगा, बट जब फ़ोन ही टूट गया तो फिर तो और बुरे हाल हो गए। बाकी ये ट्रिप का बेसिक मेरा मोटो था कि मैं कुछ एक्सपीरियंस करके आऊँ बाहर, कुछ काम करके आऊँ, प्रोफेशनल लोगों के साथ थोड़ा वर्क करके आऊँ, तो एक्सपीरियंस गेन करने गया था। और ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले ना, सबसे पहला फ़ोन टूट गया, दूसरा एक्सपीरियंस मिला सामान छूट गया, किन हालतों में मैं वहाँ घूमा हूँ, तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और 6 किलोमीटर मैंने बुलेट घसीटी, तो बुलेट घसीटने का भी एक्सपीरियंस मेरे को मिला है। और क्या बताऊँ आप लोगों को, गलत रास्ते पे मैं चला गया क्योंकि स्क्रीन फूटी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, देखो क्या हालत हो रखी है। ये खोला मैंने मैप्स, तो देख सकते हो बीच में पूरा ये काला हिस्सा, ये डिस्प्ले ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं। और मैं इस चक्कर में गलत रोड पर मुड़ गया और वापस आते हुए सहारनपुर रोड ना पकड़ के मैं दिल्ली की सड़क पकड़ चुका था। वो तो अच्छा हुआ कि पेट्रोल, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा हुआ कि
पेट्रोल खत्म हो गया, घसीटनी पड़ी 6 किलोमीटर गाड़ी। घसीट के जब मैं पहुंचा पेट्रोल पंप, तो उस भैया ने मुझे बताया कि भाई तुम आ चुके हो गलत, अब यहाँ से जाओ उस तरफ। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, तब जाके मैं सहारनपुर हाईवे पहुंचा और फिर 1.5 घंटे बाद अपने घर आ गया। सो गाइस, ये था मेरा पूरे ट्रिप का समरी, जो कि आफ्टर ये वीडियो के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी दिल्ली जाना चाहते हैं बाइक से, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बाइक से मत जाइए, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा फॉग है कि आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। अगर जा रहे हैं तो थोड़ा लेट निकलो घर से, 9-10 बजे के करीब निकलना, ताकि फॉग कम हो जाए बहुत ही। दूसरी चीज़ है, मैं सजेस्ट करूँगा बस से या फिर ट्रेन से जाओ। बाकी ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत बुरा रहा ये पूरा का पूरा ट्रिप मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है मुझे, अब कि ऐसा एक्सपीरियंस मैं दोबारा अपनी लाइफ में नहीं चाहूँगा। जैसा मैं सोच के गया था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ इस बार। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियोस मैं कोशिश करूँगा डेली डालने की, अगर ट्रिप्स नहीं हुई तो डेली डालने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू सून।